तो जैसा कि आपने लास्ट एपिसोड में देखा कि समीर, स्नेहा और राजू मिलके एल्विश के साथ प्रैंक करते हैं ताकि उसको रियलाइज हो कि उसने स्नेहा के साथ कितना गलत करा है, पर पासा उल्टा पड़ जाता है और एल्विश की एंगेजमेंट किसी और के साथ हो जाती है। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। वो साडा प्यार इदां दा सी हो गया जिदां उंगला चोरे ता गिर जांदा जेरा कर पुछिया सी मैं। भाई तुम्हें पता था ऐसा होगा? मैं तो सोचता था एल्विश जेन्युइनली स्नेहा को प्यार करता है यार, लेकिन इतना घटिया आदमी निकला। मतलब स्नेहा ने उसको मना क्या कर दिया अगले सेकंड किसी और बंदी के साथ, और रिलेशनशिप भी नहीं यार, सीधा एंगेजमेंट। नॉट डन एल्विश यादव, नॉट डन। वेल यार भाई, मैं तो सोचता था मेरा अच्छा दोस्त है, लेकिन वो तो प्ले बॉय निकला यार। शिट यार, शिट, माय लाइफ इज शिट। अबे वो सब तो ठीक है, पर अब आगे क्या करना है? आगे का भी तो कुछ प्लान होगा ना? आगे के सीन की तो तू टेंशन ही मत ले, तेरे भाई ने सब सीन सेट कर रखा है। क्या प्लान है तेरे पास? तेरे प्लान के चक्कर में यहाँ मेरी ऐसी तैसी हो गई। उसको ये रियलाइज करवाएगा, उसको वो रियलाइज करवाएगा। उसको तो कुछ नहीं करवाया, तूने मेरा जरूर करवा दिया। और पता है क्या करवा दिया? नाश करवा दिया। समझ भी नहीं आ रहा, रोऊं के हंसूं? हंसूंगी तो खैर क्या ही, जोर जोर से रोऊं। भाई इसकी बातें सुन के ऐसा नहीं लग रहा, ये बावड़ी हो गई। अबे प्यार में धोखा मिला अगली को, अब ये बावड़ी ना होएगी तो हम बावड़े होएंगे क्या? और वैसे भी इतने बावड़े तो है ही। चुप, एकदम चुप। इतना सब कुछ करने के बाद मेरे को क्या मिला? मुंह पे चाटा। स्नेहा सिर्फ एक चांस, सिर्फ एक चांस दे दे यार, मैं कसम से सब ठीक कर दूंगा, ट्रस्ट मी। कोई चांस वांस नहीं, उसकी एंगेजमेंट हो गई है यार, और ये कोई छोटी बात नहीं है। अबे छोटा बड़ा सब बराबर हो जाएगा यार, तो विश्वास तो कर मेरे ऊपर एक बार। कितना घिनौना है ना यार समीर तू। हाय मेरी जान कट लेंदी, तेरे नखरे हटा वासन मार दे, हो गया है मेरा बेबी बुरा हाल। सच्ची लुट गए हम तेरे इस प्यार में, जीनी जिंदगी है बस तेरे नाम। भाई एल्विश की लाइफ कितनी सॉर्टेड है ना, एक बंदी छोड़ता है, दूसरी पकड़ लेता है, दूसरी छोड़ता है, तीसरी पकड़ लेता है, और एक हमें देख लो, सदा से अपना पकड़ के बैठे हैं। भाई मरने में ही मरेंगे क्या? भाई यार कोई मेरी सेटिंग करा दो। यार चुप हो जाओ तुम दोनों यार, इतना सीरियस मैटर चल रहा है और अपनी पता नहीं क्या फालतू की बातें लेके बैठे हो। अपना मेन टारगेट ये है कि भाई एल्विश को स्नेहा से कैसे मिलवाना है, और मिलवाना या ये हाय हेलो वाला मिलवाना नहीं, परमानेंट वाला मिलवाना भाई। अब तो शादी देखनी है अपने को। भाई ये तो पॉसिबल ही नहीं है, मैंने देखा उसको उसकी अंगूठी डालते हुए, ठीक है? तो जो सोच रहा है पॉसिबल नहीं है, मत सोचिए यार। तू फिर नेगेटिव सोच रहा है भाई, एक बार उसके पास जाके बात तो करे कि तूने क्यों करा, कैसे करा, कुछ तो जवाब होगा ना उसके पास, वही पूछना है अपने को। भाई अब तक तो उसे ओयो ले गया होगा, फिर दो चार दिन में उसका लगन ले लेंगे, फिर उनका शादी करवा देंगे। भाई जो तू कह रहे ना सब फिल्मों में अच्छा लगता है, अब ये तो है नहीं कि एल्विश को उसके मंडप से उठा ले जाएंगे और एल्विश और स्नेहा की शादी करवा देंगे, ये सब इमेजिनेशंस में रहता है भाई। और बात करे तो इमेजिनेशन की, तो इमेजिनेशन में तो मैंने मियां खलीफा भी बजा रखे दो चार बार। अरे एटम आज कर दे। एक सेकंड, वो मना करेगा ना तो उसकी ना सुन के आ जाएंगे, लेकिन चले तो भाई, चलो चलो प्लीज चलो चलो। चल भाई हम तो वैसे ही वेल ले। यार मैं क्या सोच रहा हूँ, ब्याह के बाद चलेंगे स्विट्जरलैंड, वहाँ पे इतनी ज्यादा ठंड है ना, फुल गर्मी गर्मी मचा देंगे। नहीं यार स्विट्जरलैंड जाके क्या करेंगे, कहीं आस पास ही चलते हैं, और वैसे भी ना मेरे पास पासपोर्ट नहीं है, और कहीं भी जाना काम तो एक ही करना है ना। आ, आ। ओ यार तू कितनी ज्यादा औसम है, तू आज की नारी है क्या? अबे यार देखना यार कितना खुश लग रहा है उसके साथ। यार हम कोई गलती तो नहीं कर रहे, पता लगे इन सब चक्करों में ये वाला सीन भी खराब हो जाए, वो वाला सीन भी खराब हो जाए, और हमारे हाथ कुछ भी ना लगे। अबे तू पागल वागल है क्या? तुझे इसकी खुशी तो दिख रही है, पर तुझे स्नेहा का दुख नहीं दिख रहा क्या भाई? अब सुन यहाँ पे आए हैं ना तो इससे बात करके ही चलेंगे। चलो गाइज। ओ वेट 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 रिलैक्स। अबे ये तो पुष्पा है। पुष्पा? अबे अर्चित देखे पुष्पा ना? अबे देख। हाँ भाई ये तो पुष्पा है, पर ये एल्विश भाई के साथ यहाँ क्या कर रही है? अबे ढकनो, ये वही तो है इसकी जिसके साथ इसकी एंगेजमेंट हुई थी यार, भूल गए तुम? अबे भाई पक, पर ये तो पुष्पा है, पुष्पा।
ये तो क्या हो गया पुष्पा, उसने कुछ गुनाह तोड़ना कर दिया। अबे पुष्पा नहीं, पुष्पा। क्या गंदे गंदे इशारे कर रहा है ये, और ढंग से बोल। भाई एक बार बताऊ, ये ना पुष्पा है स्पा मसाज करती है 300-300 रुपए में, और फुल सर्विस से पूछो मत, बहुत महंगा हिसाब है इसका। तुम्हें तमीज नहीं है क्या यार, कुछ भी बोले जा रहे हो। मतलब हमारे भाई की होने वाली बीवी स्पा में काम करती है और 300-300 रुपए मसाज और एक्स्ट्रा सर्विस के पूछो मत। फक भाई यार। अबे तो चुप भाई, माँ कसम इस स्पा में काम करे और 300-300 रुपए में मसाज भी दे रहा है, और हमने तो बेड़े के कर रखा है। चुप, एक और शब्द बोला ना तो साले मारूंगा। पर ये पुष्पा है यार, तेरे को अब स्विट्जरलैंड तो क्या ही घुमाऊंगा, तेरे को घुमा दूंगा मैं पहाड़गंज, एक नंबर रजाई, बेड गद्दा सब चीजें, बेड देख कैसा लग रहा, फुल टूट जाएगा। एल्विस ब्रो, अरे इनते घूंघट क्यों कर रही है, तेरे जेठ थोड़ी है, तो तेरे देवर हैं। हमारे में देवर से ही मुंह ढकते हैं। भाई 2 सेकंड के लिए साइड में आएगा, कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। चल भाई देखो तेरी क्या इम्पोर्टेंट बात चीज, आजा। भाई ये क्या करा तूने? क्या करा? कुछ गलत करा? अपनी अंतरात्मा से पूछ के देख कि तूने क्या करा। भाई हम लोग तेरे साथ प्रैंक कर रहे थे यार, और तूने उल्टा हमारे साथ प्रैंक कर दिया, और प्रैंक नहीं ब्रो, नेक्स्ट लेवल शिट कर दिया यार तूने। देख समीर सुन मेरी बात, मेरे लिए सबसे ऊपर मेरी ईगो है, समझ आ गई है, और वो उसने हर्ट कर दी, मेरी छाती पे पैर रख के चली गई और मेरे थप्पड़ मार दिया। भाई 2 रीजन बहुत है उसे छोड़ने के लिए, और नई वाली जो छोरी है ना भाई, क्या लड़की है यार तुम्हारी भाभी, मतलब भटाकेदार मस्त, किसी दूसरे लौंडे की तरफ तो आंख उठा के भी नहीं देखती। सही कह रहा है भाई, कहीं ना देखती आ तो। हंसने की बात तो नाती हो, ज्यादा हंसी आ रही है। भाई सॉरी यार, प्लीज इस चीज की सजा स्नेहा को मत दे, वो वहां पे रो रो के परेशान हो चुकी है यार, अब तेरे को पता अपने पैरों की नस काटने लगी थी, वो तो शुक्र है मैंने उसको बता दिया कि भाई तू चल नहीं पाएगी, प्लीज वापस आ जा प्लीज। मोंगा सुन मेरी बात, एक चीज कहूंगा, उसने सुन के ना यहाँ तक टल जियो, कुछ भी पहले जैसा नहीं हो सकता, और मुझे करना भी नहीं। भाई कह दिया ना, मतलब कह दिया। अच्छा भाई सुन, इधर आ, देख भाई, ना तो हम स्नेहा के बारे में बात कर रहे, ना हम तेरे बारे में बात कर रहे, पर एक बार नई वाली भाभी से मिल तो लंदे। नई वाली भाभी था तो तुम मिल ले, और साले तेने उसके कान भरने की कोशिश करी ना, तुम्हारी ऐसी तैसी कर दूंगा, समझ आ गई है। अरे यार मतलब भाई पे भरोसा नहीं है क्या? भाई बस बात करनी है, हम जरा चेक तो कर ले कि नई वाली भाभी तेरे लिए सही है या नहीं। सही तो होएगी वो, गलत क्यों होएगी, फिर भी जाओ चेक कर लो जाओ। ओ गूंगा जट्टा चल, बहुत हो गए तेरे ड्रामे। पुष्पा डार्लिंग बज्जो, हराम ज़ादे, तू यहाँ भी आके मेरा काम खराब कर ले। काम मैं खराब कर रहा हूँ? तू कर रही है। अब मेरे तो न्यू बताता है, धंधा खराब हो गया कि जो हमारा भाई फंसा लिया तने। ओ सुन चिकने, मैंने नहीं फंसाया तेरे भाई को, वो खुद फंसा है। ओ रहने दे, मुझे पता कैसी है तू। भाइयों तो ऐसी है, तू सोच भी नहीं सकता, मतलब इतनी संस्कारी, इतनी प्यार से बात करती है ना। एलकट कैसी हूँ मैं? माना मेरा काम थोड़ा टेढ़ा है, पर मेरा है। भाई ये इतनी शरीफ है ना, मतलब मेरे अलावा किसी दूसरे लौंडे की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखती। तूने मुझे पैसा दिया, मैंने तुझे सर्विस दिलवाई, अब तेरा मेरा लोचा खत्म। तेरा मेरा मेरा एक मिनट में कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है? हमारे भाई का पीछा छोड़। और भाई इतनी शांत और सुशील है ना, किसी के साथ लड़ती भी नहीं है। अबे ओ 40 रुपए में ना तुम दोनों का मर्डर करवा दूंगी, जहाँ बाल कटवाते हो ना वहाँ उस्तरा लगवा दूंगी। अबे तू मोटे, जहाँ ठूसन जाता है ना वहाँ तेरे खाने में जहर डलवा दूंगी। और तू बे पिस्सू, तेरी वीडियो पड़ी है मेरे पास, 2 मिनट तो तेरे से टिका नहीं जाता, करो अभी उसे लीक। भाई बस 2 मिनट चल। और बेटा तेरे को ना बहुत भारी हिसाब देना पड़ेगा इस चीज का, ठीक है? अबे चल चल, तेरे जैसे ना 36 देखे, अब निकल यहाँ से। ओके भैया जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। कैसी लगी तुम्हारी भाभी फिर? सुंदर। आई नो, सुशील भाई, बहुत सुशील, बहुत ब्यूटीफुल। अरे मतलब ओवरऑल बताओ, तुम्हारे भाई की चॉइस बढ़िया है ना? एवन भाई एवन। तो एक काम कर, तू भाभी के साथ मजे ले और हम अपना लेते हैं। भाई मैं तो लेऊंगा, तुम रोकोगे? एंजॉय मैन। चलो तेरे को पहाड़गंज लेके चलता हूँ, आ जा। मतलब तुम ये कह रहे हो कि वो स्पा में काम करती है? हंस मत स्नेहा, सीरियस मैटर है। सही हुआ उस हरामी के साथ, मुझे छोड़ के क्या मिला उसे, एक स्पा में काम करने वाली लड़की, पता नहीं क्या क्या करती होगी। सही कहते हैं, भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं,
और ये बात सुना के तुमने मेरे कलेजे को जो ठंडक पहुंचाई है ना, मैं तो बहुत खुश हूँ। उसको उसके कर्मों का फल मिल रहा है। शट अप यार स्नेहा, क्या बोले जा रही है यार, कैसी दोस्त है तू? हमारा बड़ी वहाँ प्रॉब्लम्स में फंसा हुआ है, उसकी बीवी स्पा वाली निकली, पता नहीं किस किस को मसाजेस दे रही है, और तू यहाँ पे उसको बद्दुआ दे रही है। जितना मर्जी छुपा ले, हमें ही पता कि तू उसको कितना प्यार करती है, और ये प्रिटेंड करने की जरूरत नहीं है। तो क्या करूं, क्या दुआ मांगू कि उसको बहुत अच्छी बीवी मिले, वो खुश रहे, मुझसे दूर रहे, ये दुआ मांगू? ये नहीं कह रहा, बट वो जिस सिचुएशन में फंसा हुआ है, एटलीस्ट हम उससे बचा तो सकते हैं ना उसको। मतलब तू ये कह रहा है हम सब कुछ सच बता दे उस पुसी, सॉरी, पुष्पा के बारे में? हाँ, मतलब तू ये कह रहा है कि छोड़ यार, तुम्हारे बस की नहीं है, मैं उसको खुद जाके बता दूंगा कि तेरी बीवी स्पा में काम करती है भाई, 300-300 रुपए में। तू ये कह रहा है कि मेरी गर्लफ्रेंड, मेरी होने वाली बीवी, थारी भाभी स्पा में काम करती है, 300-300 रुपए में मसाज देती है और 2-2 हजार रुपए में एक्स्ट्रा सर्विस? ओ फक भाई, मेरा तो सेक्स ही जुगाड़ हो जाएगा, फ्री फंड का अकल है तुम में? तुम क्या कह रहे हो, तुम मेरी होने वाली बीवी के ऊपर? ओ शिट भाई यार, अपनी मम्मियों पे लगाना ना ऐसे इल्जाम, मुझे तो शर्म आ रही। तुम जैसे को अपने दोस्त कहते हो, साढ़े तुम्हारे गोली मार दूंगा, इससे पहले भाग जाओ। चल भाई, सच को जितना मर्जी झुकला लो, अब आखिरकार सच तो सच ही रहता है ना, और हमें पता है यार वो कैसी है, इसको पता ही नहीं है। और भाई जितने बजे हमने लिए है ना, वो तो भगवान ही जानता है। ओ ये क्या बकवास कर रहा तू, तुझे सुनाई नहीं दी अभी क्या कही मैंने? भाई गोली मार देगा ना, मैं तो जब भी नहीं कहूंगा कि हमने तो भाई बहुत मजे लिए, पार्ट लेके पार्ट आएगा, और इस मोटे के भी मारना, इसने भी तो मजे लिए थे। इतना कॉन्फिडेंस है ना अपने ऊपर, प्रूव करके दिखाओ इस बात ने। अगर तुम सही निकले तो मैं अभी जाऊंगा इसने छोड़ के, स्नेहा के आगे नाक रगड़ के माफी मांग कहूंगा। अगर तुम फेल हो गए तो अभी जाके ना अपनी, एक काम करो, अभी फोन करो अपनी मम्मी के पास, कह दो हम ना आ रहे। प्रूफ, प्रूफ चाहिए इसको, हम अपने हाथ में डीएनए टेस्ट लेके घूम रहे हैं, कोई प्रूफ? गाइस गाइस गाइस, मैं करूंगा प्रूफ भाई, मां कसम, भाई मां कसम, मां कसम से तो ऊपर कुछ नहीं होता, अब तो मान जा। तुम सच में चाह रहे हो कि मैं तुम्हें गोली मार दूं? मैं तुम्हारी ऐसी तैसी कर दूंगा, इससे पहले निकल जाओ, 3 तक गिनूंगा, भाग जाओ यहां से। 3 जा रहे हैं भाई। सर आपको पता मैंने पार्टी क्यों ऑर्गेनाइज कर रखी है? अरे तू इन दो बालकन के नाचने थे पार्टी के है, कभी हमारी पार्टी में आइयो। शराब, सबाब, कबाब, रशियन, अमेरिकन, फ्रांचन, तेरी चंद, मेरी चंद, और या मोटे मोटे तकिया, और उन पे बैठ कर ना मुजरा देखेंगे। अरे बेटा मेरी संगत में रह, बहुत जल्दी जवान हो जाए। और तो सर कब कर रहे हैं हम? सर मेरे से पूछो तो सही, क्यों दिए मेरे पार्टी, बातों में लगा रहे हो। देख वैसे तो मैं पूछे ना करूं, तू इतनी ज्यादा वो कर रहा हो तो बता, यू पार्टी क्यों रखी है तेने? सर आज मेरा ट्यूशन पे आखिरी दिन है, परसों मेरी शादी है, और ये लो मेरा शादी का कार्ड। सर आपको आना है, विद फैमिली आना है, और अपनी छोरी से भी पूछ लेना, मोमोज वाले गैल भग्गी अपने खत्म ने भी ले आएगी, उसकी रेडी लगवा देंगे। अरे तू यह बात है छोड़, नो बता, टेंट वाले तो तेना डिस्पोजल चम्मच प्लेट मंगाई है, ये लोहे वाली? सर पहली बात तो लोहे की ना रहे, स्टील की रहे, ठीक है ना, स्टील की मंगाई है, पैसा बहुत है फुल। भैया बनगी बात, कटोरी चम्मच का इंतजाम तो हो जाएगा। यार मैं इतनी ज्यादा खुश हूँ ना कि मैं बता नहीं सकती, मेरी तो पहली बार शादी हो रही है, परसों तो मजा ही आ जाएगा। परसों तो मजा आएगा ही, पर तेने उससे ज्यादा मजा ना आज दुआ तो भाई। हेलो सुनो सारे, हेलो, मतलब तुम दो ही हो, दोनों सुन लो, मैं अपनी होने वाली बीवी के लिए एक वीडियो बना के लाया हूँ, तो मैं चाहता हूँ तुम सभी लोग देखो, और खुद एडिट करी तुम्हारे भाई ने, तो भाई देख के बताना कि कैसी लगी, ठीक है? पूरे 300 रुपए लगेंगे। पर कूपन में तो 225 लिख रहे थे ना, अब 75 रुपए एक्स्ट्रा किस चीज के? एक तो तुम आते हो, फ्री में स्टाफ चेक करवाते हो, इतना सारा पानी पी जाते हो, 75 रुपए तो काटूंगी मैं। और वैसे तेरे पिछली बार की भी ना 100 रुपए रह रहे, चल निकाल वो भी। लड़की को वश में करने के 69 तरीके हैं, रोज नहाया करो तू, साले फिरागा भाई। देख बेशक मार लियो, पर इस पेन ड्राइव में ना सबूत लाया हूँ, इसमें देख क्या है, फिर जो तेरा जी करे ना वो कर लियो। ब्लू फिल्म देखा था मुझे 15 अक्टूबर दोपहर के 2 बजे की फुटेज, कार्ड सीसीटीवी की। मेरे कस्टमर है, बता रहे कितने बजे उछाड़े हैं, बहुत जल्दी लाइए। फुल मोड स्पा में काम कर रहा है ना तू, तेरी कसम, इतने बड़े बड़े लेक्चर लिखने की सोच रहा था तेरे तक सुनाने के लिए, पर फिर मैंने सोचा इसके पीछे क्यों टाइम वेस्ट करूं, इससे पहले तेरे तक गाड़ी भग दूं ना, यहां तक भग जाता, चल चढ़ जा, जल्दी चढ़ जा। अरे तू कहां जा रही है? मेरा क्या काम है अब यहां पे? यार मेरी शादी है, परसों शादी का कार्ड तो ले जाना है तुझे।
मुझे नहीं आना। एक बार देख तो ले। बिना दुल्हन शादी हो सकेगा क्या? अरे वाह भाई वाह, क्या जोड़ी बनाई है। यह खुशी के अवसर पर तो मिठाई होनी चाहिए। गुलाबो गुलाब जामुन लेके आइयो और हमें भी खवाइयो। नी तेरी लाल चुनरिया हुण ना जाए जरा संभाल मान मेरा कहना तेरी नजरें नूरानी छुपी कजले में शैतानी। हेलो एवरीवन, होप करता हूँ भाई ये पूरा सीजन आपको पसंद आया होगा। ये वाला सीजन यहाँ खत्म करते हैं। अब सीजन टू आएगा, थोड़ा सा लेट आएगा, वो आएगा 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स के बाद। तो क्या तो भाई जल्दी से करवा दो या फिर थोड़ा टाइम लगेगा, बट बहुत कैडी चीज बनाएंगे उसके बाद भी। तो भाई अगर ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कॉमेंट शेयर सब चीज कर देना। वीडियो पे हम रखते हैं 6 लाख लाइक्स का, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा भाई चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। कमेंट करके अपना फेवरेट पार्ट भी बताना, तो सब्सक्राइब कर लेना।